गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जो आपको हमने बताया था फेस ऑफ द अर्थ, उसका एक्सरसाइज के उसके एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। और चलिए एक्सरसाइज के बारे में हम देखते हैं क्या है। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो मॉडल है उसको क्या कहा जाता है। आंसर है थ्री ऑप्शन आप दिया है, मैप, कंपास, ग्लोब। तो ये राइट आंसर होगा ग्लोब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशियन, इसमें से कौन सा एक ओशियन नहीं है, ठीक है। पैसिफिक, अटलांटिक, अंटार्कटिका। तो ये अब इसमें अंटार्कटिका आपका ओशियन नहीं है, ये दोनों ओशियन है, ठीक है। अंटार्कटिका आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट हैं, 4, 5, 7। तो राइट आंसर है 7, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ मैप रिप्रेजेंट विच डायरेक्शन, ठीक है। द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, वेस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया राइट टिक कर देंगे, ठीक है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है। वी कैन नॉट सी द होल पार्ट ऑफ द ग्लोब एट अ टाइम, ठीक है। तो फॉल्स होगा यहाँ पे एट अ टाइम, यहाँ पे हम ग्लोब काफ़ी आसानी से हम सारे पार्ट्स को देख सकते हैं उसको घुमा करके, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड, द लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियन, पृथ्वी का बहुत बड़ा पानी का हिस्सा क्या कहलाता है, ओशियन कहलाता है, ये तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड, द इंडियन ओशियन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, इंडियन ओशियन क्या है, साउथ साइड, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स होगा, क्योंकि इंडियन ओशियन साउथ की तरफ है। स्टेटमेंट फोर, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ राउंड सरफेस, ठीक है। तो राउंड सरफेस में नहीं, ये फ्लैट सरफेस पे होता है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होता है। मैप क्या होता है, फ्लैट सरफेस पे होता है, तो ये भी फॉल्स है। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, अ कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, राइट आंसर ट्रू है, ठीक है। डायरेक्शन को पता करने के लिए कंपास का यूज किया जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं, लार्ज मैप विच आर पुट ऑन अ वॉल आर कॉल्ड, ठीक है। लार्ज मैप जो वॉल पर, दीवार पर टांगा जाता है उसको क्या कहते हैं, वॉल मैप्स। द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द मैप ऑलवेज शोज, टॉप मैप का जो टॉप होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, हमेशा नॉर्थ शो करता है। द सेवन अनइक्वल पार्ट ऑफ द लैंड सर्फेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, अनइक्वल पार्ट ऑफ द लैंड, अनइक्वल पार्ट ऑफ द लैंड क्या होता है उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यहाँ पे एशिया कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एशिया है, तो एशिया यहाँ फिलअप कर देंगे, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देयर आर फोर सब डायरेक्शन, आर कितने सब डायरेक्शन है, फोर, राइट आंसर। पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक क्या है, ओशियन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, एशिया कॉन्टिनेंट है। कार्टोग्राफर अ पर्सन हु मेक्स मैप, ठीक है। वॉल मैप बिग इन साइज, वॉल मैप क्या होता है, साइज में बिग होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पे हमने आपको सारे PDF भेज दिया है, और एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ चैप्टर में आपका आंसर। आप चाहें तो बुक से भी लिख सकते हैं, या तो हमारा भेजा गया जो PDF है उसको ओपन करके आप क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक में एक बार हम डिस्कस कर देते हैं, व्हाट इज अ ग्लोब, ठीक है। व्हाट इज अ ग्लोब, व्हाट डज द ब्लू कलर एंड अदर कलर शो ऑन द ग्लोब। तो ग्लोब, व्हाट इज अ ग्लोब, इसका आंसर है ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। ब्लू कलर शोज द वाटर एंड द अदर कलर शोज द लैंड, ठीक है। मतलब ब्लू कलर शो करता है वाटर को और अदर कलर शो करता है लैंड को। तो ये काफ़ी आसान आंसर है, यहाँ पे आपको बुक में भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, बहुत ही छोटा आंसर है, ठीक है। ये है आपका आंसर, मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, यहाँ से यहाँ तक आंसर है आपका। व्हाट इज ग्लोब, मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर है द ब्लू कलर रिप्रेजेंट, यहाँ पे देखिए है आंसर। दूसरा एक ही एक क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका दो आंसर होगा। जैसे कि एक बार ग्लोब को पूछा है और एक बार पूछा है कि जो कलर्स हैं क्या शोज करता है, ब्लू कलर क्या शो करता है और अदर कलर क्या शो करते हैं। ब्लू कलर, द ब्लू कलर रिप्रेजेंट द वाटर बॉडीज वाइल द पार्ट्स शोन इन अ डिफरेंट कलर्स आर लैंड, ठीक है।
तो ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ को शो करता है और अदर कलर्स जो हैं वो लैंड को शो करते हैं। तो एक वन लाइन यहाँ पे फ्रॉम हियर यू विल राइट वन लाइन एंड फ्रॉम हियर यू विल राइट सेकेंड लाइन यू विल राइट फ्रॉम हियर ओनली टू लाइन्स यू विल राइट नॉट मोर देन टू लाइन्स ओके नॉट बिग लाइन्स नॉट मेक योर आंसर बिग ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हाट आर ओशियन राइट द नेम ऑफ द फोर ओशियन सो इजी आंसर आई थिंक दैट आई हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स व्हाट आर ओशियंस इजी आंसर यू कैन मेक दिस आंसर ओशियंस द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन एंड राइट द नेम ऑफ द फोर ओशियन इनके नाम लिखना है आपको ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर है फोर ओशियन के नाम लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियंस देर आर फोर ओशियंस दे दीज आर ऑल पैसिफिक ओशियन अटलांटिक ओशियन इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन ओके। यहाँ से यहाँ तक आंसर आपका सेकेंड है ठीक है काफ़ी इजी आंसर। व्हाट इज मैप राइट द फीचर्स ऑफ मैप ठीक है व्हाट इज मैप तो यहाँ पे आपका आंसर ये है अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सबसे ऊपर आपका आंसर है अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ आर अ पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सर्फेस इतना यहाँ पे लिखेंगे और इसके फीचर्स हैं आपके डायरेक्शन और कंपास बस ये दो पॉइंट लिख करके आप आंसर ख़त्म कर देंगे ठीक है मैप का डिफिनेशन और टू पॉइंट्स ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्टिनेंट्स राइट द नेम्स ऑफ द सेवन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्टिनेंट एंड राइट द सेवन कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट क्या होता है आप इजी से बना सकते हैं इसको द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट एंड सेवन कॉन्टिनेंट के नाम आप जानते हैं देखिए आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड यहाँ पे देखिए देर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दीज आर एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका ये है आपका आंसर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ द फोर मेन डायरेक्शन एंड द फोर सब डायरेक्शन मेन डायरेक्शन आर इसको आप बना सकते हैं आसानी से मेन डायरेक्शन आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सब डायरेक्शन आर ईस्ट वेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे सब डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट ठीक है नॉर्थ ईस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ये आपको आसानी से ये सब डायरेक्शन हो गया ये मेन डायरेक्शन ये सब डायरेक्शन आप बना सकते हैं लिख सकते हैं बुक में भी सारे आंसर हैं ओके। और आगे चलते हैं देखते हैं क्या प्रोजेक्ट दिया है एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए आपको हाँ यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप फिलअप करेंगे सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम है ठीक है और यहाँ पे कलर द वाटर बॉडीज एंड लैंड सरफेस ऑन द गिवन मैप ठीक है इसमें वाटर बॉडीज़ को और लैंड सरफेस को कलर करना है मतलब वाटर बॉडीज जितने होंगे आपको ब्लू करना है क्योंकि वाटर बॉडीज़ को हमेशा ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है और लैंड को आप अलग अलग ब्लू कुछ ब्लू छोड़ करके किसी भी कलर से आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं कॉन्टिनेंट को ठीक है इसके बाहर आप ब्लू से करेंगे और इसके जो लैंड है ये अलग अलग कलर से आप कर सकते हैं ठीक है। और यहाँ पे आपको कंप्लीट द वर्ल्ड पजल इन द नेम ऑफ ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट इसमें पजल में कॉन्टिनेंट्स और ओशियन का नाम है उसी को आपको पूरा करना है ठीक है पूरा करना है तो ये आप होमवर्क में करेंगे ठीक है। प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट भी आपको करना है मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द सेवन कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो राइट द सम फेमस कंट्रीज ईच कॉन्टिनेंट ठीक है तो एक प्रोजेक्ट बनाना है सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड के सेवन कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखना है और उन कॉन्टिनेंट्स में से जो फेमस कंट्री है पावरफुल कंट्री है डेवलप्ड कंट्री है उसका नाम लिखना है मतलब कॉन्टिनेंट लिखना है सारे कॉन्टिनेंट्स के नेम और उसमें जो फेमस कंट्रीज हैं उनके नाम लिखना है ठीक है ओके। धन्यवाद स्टूडेंट्स सभी नोट्स आप बनाते रहिए।